अगर रास्ता खूबसूरत हो तो यह जरूर देखना कि वह किस ओर जा रहा है, लेकिन लक्ष्य अगर खूबसूरत हो तो रास्ता जैसा भी हो उसकी परवाह मत करना। किसी व्यक्ति ने बहुत ही सुंदर बात कही है, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमान है और रास्ता मुझे खुद बनाना है। 2022 में टॉपर बनने का लक्ष्य बनाओ तो कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना। बिना किसी उद्देश्य के पढ़ाई मत करो, एक समय में एक ही काम करो जैसे कि पढ़ाई, और उसमें अपना पूरा फोकस लगा दो। मोबाइल का इस्तेमाल सिर्फ जरूरत के लिए करो, पहले करियर के बारे में सोचो, उसके बाद प्यार के बारे में सोचना। जीवन बहुत छोटी है, इसलिए दूसरों जैसा बनने की कोशिश मत करना, बल्कि खुद की काबिलियत को पहचानने की कोशिश करना। जब भी किसी रास्ते पर चलो तो एक बड़ा उद्देश्य लेकर चलो। जीवन में त्याग के बिना कुछ भी पाना आसान नहीं है, सांस लेने के लिए भी पहले सांस छोड़नी पड़ती है। दृढ़ निश्चय बनो, एक बार पढ़ने का ठान लो तो उसे पूरा करने के बाद ही दूसरा काम करो। हर सुबह अपने कॉपी में अपने लक्ष्य के बारे में लिखो, उसे दिन में दो बार जोर जोर से पढ़ो और उसे सोने से पहले जरूर पढ़ो। आपके दिमाग की क्षमता कम हो तो याद रखना कि इच्छा शक्ति से आप अपनी क्षमता बढ़ा सकते हैं। टैलेंट से ज्यादा मेहनत मायने रखती है। मैंने अपने आंखों से देखा है कि कई लोग टैलेंटेड होने के बावजूद एक काम में फोकस नहीं कर पाते हैं। सफल होने के लिए ज्यादा दिमाग और ज्यादा टैलेंट की जरूरत नहीं होती। हर सफलता के पीछे 1% टैलेंट और 99% हार्ड वर्क होता है। एक जंगल के बीचों बीच एक गांव था। उस जंगल से बाहर जाने का रास्ता किसी को भी नहीं मिल रहा था। एक गधा अपने मालिक से परेशान होकर जंगल में रास्ता ढूंढते ढूंढते शहर पहुंच गया। ये बात पूरे गांव में फैल गई कि गधा ने जंगल को पार कर लिया। आज तक कोई भी व्यक्ति उस जंगल से बाहर जाने का रास्ता नहीं ढूंढ पाया था। और जब ये बात कुत्तों को पता चल गई तो कुत्ते भी सोचने लगे कि एक गधे ने रास्ता ढूंढ लिया और हम कुत्ते होकर भी ढूंढ नहीं पाए। कुत्ते भी सूंघते हुए गधे के बनाए रास्ते पर जंगल के बाहर चला गया। उसके बाद और कई जानवर उसी रास्ते से निकल गए। अब वह रास्ता सबके पहचान में आ चुका था, इसलिए इंसान भी उसी रास्ते में आने जाने लगा। उन्होंने सोचा अब इसमें सड़क बनवाया जाए। इंजीनियर ने गांव वालों से पूछा, ये रास्ता सबसे पहले किसने ढूंढा है? गांव वालों ने बताया, गधे ने। इंजीनियर हंस पड़ा और बोला, इसमें कोई शक नहीं है कि ये रास्ता गधे की दिखाई हुई है, लेकिन जरूरी तो नहीं कि हम इंसान भी उसी रास्ते पर चलें। ये रास्ता बहुत लंबा रास्ता है, हमने शहर जाने के लिए एक छोटा रास्ता ढूंढ लिया है और उसी पर हम सड़क बनाएंगे। कहानी की सीख ये है, किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए एक वजह की जरूरत होती है, फिर चाहे उसे लंबा रास्ता तय करना हो या फिर छोटा। हर कोई अपने लाइफ में कुछ ना कुछ बड़ा करना चाहता है। कुछ लोग दूसरों के दिखाए हुए रास्ते पर चलते हैं तो कुछ लोग अपना रास्ता खुद बनाते हैं। जब आप किसी के दिखाए गए रास्तों पर चलते हैं तो ये जरूर देख लो कि वो रास्ता सही भी है या फिर गलत। कभी कभी इंसान गधों के दिखाए गए रास्ते पर भी चलने लगता है और उसे लगता है कि यही सही रास्ता है उसके लिए। दूसरों के दिखाए हुए रास्ते पर तो सभी चलते हैं, लेकिन जो अपना रास्ता खुद बनाता है वही इस दुनिया में सफलता के झंडे गाड़ता है। इंटरनेट पर पढ़ाई करने के 10 रास्ते मत ढूंढो, बल्कि किसी एक रास्ते को अपनाओ और उसे दिलो जान से फॉलो करो, क्योंकि जमीन से पीने का पानी 100 अलग अलग जगह पर 10 फीट 50 फीट गड्ढा करने से नहीं निकलता है। एक जगह पर 100 फीट 200 फीट गड्ढा करने से पानी अवश्य निकलता है। कुछ बनना ही चाहते हो तो अपना व्यवहार पानी की तरह रखो जो अपना रास्ता खुद बनाता है। पत्थर के जैसा बिल्कुल मत बनो जो दूसरों का रास्ता भी रोक लेता है। तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो पढ़ाई करने का रास्ता चुन लो या फिर गाय भैंस की तरह मेहनत मजदूरी करना चुन लो। वहां मत जाइए जहां रास्ता ले जाए, बल्कि वहां जाइए जहां कोई रास्ता नहीं है और अपने निशान छोड़ जाइए। विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों। अगर इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मैं शिवानंद साहू आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।